अल्लाह की फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना, हम भाइयों के साथ हम इधर आ रहे हैं फिश खाने के लिए, साथ ही मेहमान भी हैं। तो भाई ने फ़ोन किया है कि आओ रास्ते में नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर खाना खाने के लिए जाते हैं। तो रास्ते में हमने नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद अभी फिश खाने के लिए निकल आए हैं। तो अभी हम रास्ते में ये देखें, पुल झांगड़े की तरफ हम जा रहे हैं। पीछे आपको ये सी पैक रोड नज़र आ रही होगी, ये देखें बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। आज गर्मी भी बहुत है और अभी तक हमारी साइड में बारिश भी नहीं हुई है, तो बहुत गर्म हवा चल रही है, लू वाली। तो बस अल्लाह ताला बारिश दे, अपनी रहमत वाली बारिश। ऊपर वाली साइड में तो बारिशें हो रही हैं और दूसरा हमारी साइड में लोड शेडिंग भी काफ़ी हो गई है, तो बहुत गर्मी होती है। ये देखें आप, यहाँ का पीछे कुछ औरतें भी काम कर रही हैं। आपको फिश भी दिखाते हैं कौन कौन सी है और क्या प्राइस है। ये देखें हम अंदर आ गए, ये रियाज भाई, और हम हमेशा इधर ही फिश खाने के लिए आते हैं, बहुत ही अच्छी बनाते हैं। ये फिर भाई खड़े हैं साथ, ये देखें फिश किस तरह इधर फ्राई करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और जब तक ये फ्राई होगी उतनी देर के लिए हम पुल पर जाएंगे, उधर आपको दरिया भी दिखाएंगे। असीब भी साथ आया हुआ है, ये देखें असीब किस तरह का है। ये देखें फिश इधर, और ये रेसा स्टोर किया हुआ है। तो दोस्तों ये हमने फिश दे लिए, ये चार पीस लिए हैं। ये अभी इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग के बाद इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद मसाला लगाएंगे और फिर ये फ्राई के लिए रेडी हो जाएगी। ये देखिए किस तरह कटिंग कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया इधर काम करते हुए? 8 साल। हम अक्सर इधर आते रहते हैं फिश खाने के लिए। ये देखें ये छोटे पीस करेंगे फिर इसके, ये देखें ये फिश वॉश हो रही है। ये देखें फिश अभी वॉश हो गई है,
अभी इसको मसाला लगाएंगे। ये देखें अभी इसको मसाला लग रहा है, तो एक देर बाद फिर फ्राई के लिए रेडी हो जाएगी। ये देखें अभी फिश डाल रहे हैं हमारे फिश, ये देखें हमारी फिश रेडी हो गई है, रेडी टू ईट। तो अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं, फिर खाते हैं, फिर आप भी देखें। तो उसके बाद फिर दरिया पर जाते हैं, वो भी आप देखेंगे। तो हमने फिश खा ली है, अभी आपको मैंने सोचा दरिया दिखा दें इधर पुल पर। ये देखें दोपहर का टाइम है, तो जानवर इधर साय में खड़े हैं। ये देखें बहुत से जानवर खड़े हैं इधर, भेड़े भी खड़ी हैं। टीवी मेरे पीछे आ गया है, ये गर्मी की वजह से जो है ना आदमी अपने जानवरों को इधर लेकर आए हैं, ये चराने के लिए आए हुए थे। इधर फिर बहुत ज़्यादा गर्मी ना, इसलिए ये जानवरों को इधर लेकर आ गए। ये देखें दोस्तों आपको मेरे पीछे ये दरिया नज़र आ रहा है, ये देखें पानी को, देखें थोड़ा थोड़ा चल रहा है पानी। सामने एक कश्ती भी खड़ी है उधर, तो पहले जो है ना इधर पुल नहीं हुआ करता था, तो वो आपको गैस लाइन नज़र आ रही होगी, उससे थोड़ा करीब पहले एक रोड जाता था, तो उधर से हम फिर क्रॉस करके जाते थे। तो या फिर पानी सूख जाता था तो फिर रास्ता बन जाता था, नहीं तो उधर कश्ती होती थी, कश्ती के ज़रिए भी हम जाते थे। ये फिर नई रोड बनी है, ऊपर पुल बनाया है, तो ऊपर देखें ये किसी चीज़ के घोंसले बने हुए हैं परिंदों के, मेरे ख्याल में ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इधर काफ़ी सारे लड़के इधर नहाने के लिए आ जाते हैं, वो पानी की गहराई को नहीं देखते कि कितना गहरा है पानी, तो काफ़ी सारे लड़के इधर डूब गए हैं सेल्फी के चक्कर में, कुछ इस तरह बादरिया दिखाने के लिए। तो लिहाजा वो इधर स्विमिंग के लिए आए जिसको स्विमिंग आती हो। अच्छा तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है, अभी हम घर जाते हैं, भाई चले गए हैं घर, एक भाई साथ है और मेहमान जो थे वो भी भाई के साथ चले गए हैं, आसीब और एक मेरा बड़ा भाई जो साथ है वो अभी इधर रुके हुए हैं, तो अभी हम निकलते हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और जो परदेश सिपाही हैं वो मेरी वीडियो को देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि उनको मेरी वीडियो किस तरह लग रही है।
चलो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। दुआ में याद रखना, अल्लाह।